Hi students, welcome back to RSP, the physics by Rohan sir. Today we are starting chapter number 9, Re-Optics, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है एग्जाम के अंदर अप्रॉक्स 14 मार्क्स विच इज़ इंक्लूडिंग Re-Optics एंड व्यू ऑप्टिक्स. फर्स्ट हम ऑप्टिक्स के बारे में समझते हैं कि ऑप्टिक्स क्या होता है. बेसिकली ऑप्टिक्स इज द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द फिनोमेनन ऑफ लाइट. ऑप्टिक्स वो ब्रांच है लाइट की जो लाइट के सारे फिनोमेनन के बारे में हमको डील कराता है. ऑप्टिक्स हैज़ टू पार्ट्स, वन इज़ रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड वन इज़ वेव ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स मिलाकर के 14 मार्क्स एग्जाम्स के अंदर होते हैं. तो हम रे ऑप्टिक्स पर फोकस करते हैं. बेसिकली द की पॉइंट्स फॉर द टुडेज क्लास आर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल मिरर्स एंड थर्ड वन इज रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर. So we are starting the class. First, the reflection of light. Basically, if there is a surface and that surface is a solid surface and a ray of light is incident on that surface and reflected back by that surface. यदि कोई भी एक solid surface पर एक light जाती है तो वो light वापस उसी मीडियम में आ जाती है जिस मीडियम से वो इंसिडेंट हुई थी उस सॉलिड सरफेस पर. लाइक दिस इज अ सॉलिड सरफेस एंड अ रे ऑफ लाइट इज कमिंग टुवर्ड दैट सरफेस एंड इंसिडेंट ऑन पॉइंट ओ एंड आफ्टर इंसिडेंट ऑन दैट पॉइंट ओ इट इज कमिंग बैक इन दैट सेम मीडियम. जिस मीडियम के अंदर से ये रे लाइट आई थी इस पॉइंट ओ पर इस सरफेस पर उसी मीडियम में वापस वो लाइट इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद चली जाती है. इसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बेसिकली द लाइट विच इज कमिंग टुवर्ड्स दैट सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे and the ray which is going in that same medium after the reflection, after striking that solid surface, is reflected ray. And the perpendicular line on that solid surface is called a normal. This is all about the reflection of light. Now we are talking about the rules of reflection of light. Basically, there are two rules for reflection of light. Number one is, if we are considering that the incident ray is making an angle I with normal, and if that reflected ray is making an angle of R with that normal, then according to rules of light of reflection, this incident angle should be equal to the angle of reflection. This is the first rule of reflection of light. Angle of I is equal to angle of R, that is angle of incidence is equal to angle of reflection. And the second one is, the incident ray a normal ray and reflected ray all should lie in a same plane. मीन्स जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आई है उसी मीडियम के अंदर नॉर्मल रे भी होना चाहिए एंड उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्टर रे भी होना चाहिए. दीज आर द टू रूल्स फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेरिकल मिरर्स कि व्हाट आर द स्पेरिकल मिरर्स.
बेसिकली यदि हम यहाँ एक स्पेरिकल सरफेस ले, एक स्पेरिकल मिरर ले लें, और हमें पता है कि दिस इज द सेंटर ऑफ दैट स्पेरिकल मिरर, एंड इफ वी आर कटिंग टू पीसेज फ्रॉम दैट स्पेरिकल मिरर एंड पॉलिश द अपोजिट सरफेसेस, लाइक यदि हम इसका ये वाला सरफेस पॉलिश करें और इसका अंदर वाला सरफेस पॉलिश करें, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दैट स्पेरिकल सरफेस एंड स्पेरिकल मिरर, एंड यदि हम इस पार्ट को अलग करें और इस पार्ट को अलग करें, देन दिस डायग्राम विल बी लाइक एंड दिस इज द सेंटर एंड दिस पार्ट विल बी लाइक, ये ठीक से नहीं बना है, इसको हम दोबारा बनाते हैं, लाइक दिस, दिस इज द सेंटर एंड फॉर दिस पार्ट दिस सरफेस इज पॉलिश्ड एंड द सेंटर फॉर दिस सी. दीज पॉलिश सरफेसेज आर ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड. ये जो सरफेसेज दिखाई दे रहे हैं आपको जो पॉलिश्ड हैं, ये एल्यूमिनियम ब्रोमाइड की लेयर इस पर पॉलिश की जाती है. एंड दिस टाइप ऑफ मिरर विच इज कट डाउन फ्रॉम द स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर एंड दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर. नो वी आर अंडरस्टैंडिंग सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस. इफ वी आर टेकिंग दैट कनकेव मिरर the central part of this mirror is called pole. So what is pole? The central part of a spherical mirror, that is called pole. And the center, that was the part of this spherical mirror. और इस स्पेरिकल मिरर के अंदर से हमने ये पार्ट लिया था, तो जो सेंटर इस पूरे स्पेरिकल मिरर का है वही सेंटर इस स्पेरिकल पार्ट का भी होगा, इस स्पेरिकल पार्ट का भी होगा. देन दिस इज सेंटर एंड दिस सेंटर इज कॉल्ड फॉर स्पेरिकल मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर. द फर्स्ट वन इज पोल, द सेकंड वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. And the line which is passing from center of curvature and pole, that is called principal axis. And the distance between the center of curvature and pole of that mirror is called r, that is radius of curvature. रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड कंसीडर देर आर सो मैनी रेज ऑफ लाइट विच आर कमिंग पैरेलल टू दैट प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल मीट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल फोकस फॉर दैट मिरर. If all these rays are coming parallel to that principal axis, then all these rays will meet at a single point, same point, that is called F, and F is called principal focus for that mirror. So these are the simple definitions for pole, the central part of a spherical mirror, center of curvature which is the center of that spherical mirror, and the distance between center of curvature and pole of that mirror is called radius of curvature, and when the rays of light which is coming parallel to that principal axis,
meet at a single point, same point. That point is called a principal focus, and the distance between the pole and the principal focus is called focal length. Means that P, if we are considering that point P, then PF is focal length and represented by small f. Okay, now take a screenshot, then we will talking about some rules which are followed by the reflection of light. Okay, take a screenshot, then we will start. Okay, now अब हम बात करते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन बाई स्पेरिकल मिरर, कि स्पेरिकल मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती हैं. तो जो इमेज फॉर्म होती हैं स्पेरिकल मिरर से, वो चार रूल फॉलो करती हैं. तो वो चार रूल कौन से हैं, उन्हें अब हम समझते हैं. जैसे कि फर्स्ट रूल होता है कि ये एक मान लो कनकेव मिरर है, ये उसका प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. यदि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल उस स्पेरिकल मिरर के पास आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से ही पास आउट होगी. कैसे पास आउट होगी, उसको हम इमेज एक बना के देखते हैं. जैसे कि मान लो ये एक रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, एंड यदि ये पैरेलल आएगी तो ये हमेशा किससे पास आउट होगी, प्रिंसिपल फोकस से. दिस इज द फर्स्ट रूल कि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से ही गुजरेगी रिफ्लेक्शन के बाद. और जो सेकंड रूल है वो बिल्कुल फर्स्ट रूल का अपोजिट है, कि यदि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि प्रिंसिपल फोकस में से गुजर रही है और स्पेरिकल मिरर से टकरा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी. कैसे जाएगी वो देख लेते हैं. कि मान लो एक रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है और स्पेरिकल मिरर के पास जाती है, स्पेरिकल मिरर से टकराती है, तो स्पेरिकल मिरर से टकराने के बाद ये रे ऑफ लाइट हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी. इस तरीके से यदि ये प्रिंसिपल फोकस में से पास आउट होकर के किसी भी मिरर के पास आ रही है, स्पेरिकल मिरर के पास, तो चाहे वो कनकेव मिरर है और चाहे वो कन्वेक्स मिरर है, तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास आउट होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन. नाउ द केस नंबर थर्ड, कि यदि कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होकर के यदि इस स्पेरिकल मिरर से टकराती है, तो होगा क्या कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही पास आउट होगी. क्यों होगी, उसका रीजन मैं बता देता हूँ. कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बेसिकली इस स्पेरिकल जो मिरर है और ये स्पेरिकल मिरर एक स्पेरिकल सरफेस का पार्ट था जिसका सेंटर ये था, और उस सेंटर से यदि हम एक लाइन ड्रॉ करें, मान लो ये हिस्सा हमने काटा था, तो दैट इज पोल. तो सेंटर ऑफ ये जो सेंटर है और इस पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस. और रेडियस हमेशा किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है. इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर कोई भी एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगी, तो वो हमेशा स्पेरिकल मिरर के साथ उस पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल. इसका मतलब वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो थी ये ही इंसिडेंट रे थी, और ये लाइन ही जो थी नॉर्मल रे थी, और ये लाइन नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों थी. तो इसका मतलब हुआ क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी जीरो. और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड ऑल्सो बी जीरो. सो यदि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो रे होगी रिफ्लेक्टेड वाली, वो भी नॉर्मल के साथ ही, नॉर्मल पे ही पास आउट हो जाएगी. इसका मतलब इस केस के अंदर क्या हुआ,
कि जो नॉर्मल रे है और जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, वो तीनों एक ही रे होंगी, वो तीनों एक ही लाइन होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये नॉर्मल भी बिहेव करेगा, ये इंसिडेंट रे भी बिहेव करेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी जीरो होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देन द केस नंबर फोर, इन द केस नंबर फोर, इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग एट पोल, देन दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस रे इज द रे ऑफ इंसिडेंट, देन द सेम रूल दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये लाइट जब इससे रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी तो एक एंगल बना करके जाएगी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होने चाहिए? आपस में बराबर। तो दीज आर फोर रूल्स जिनकी हेल्प से हम इमेज फॉर्म कैसे होती है किसी भी स्फेरिकल मिरर से, वो आसानी से सीख सकते हैं। तो जब भी हमें इमेज फॉर्म करनी होगी किसी भी स्फेरिकल मिरर से, तो हमें ये फोर रूल्स हमेशा याद होने चाहिए।